आप सभी का एवन उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सोमवार को उत्तराखंड आएंगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, भाजपा सांसदों और विधायकों से करेंगी समर्थन की अपील, भाजपा ने की तैयारी तेज। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन, मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर हुई चर्चा, धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात की यादों को किया साझा। उत्तराखंड में फेल छात्रों को मिलेगा पास होने का मौका, शिक्षा मंत्री ने कहा कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी सरकार, अगले शिक्षा सत्र से सरकार कर सकती है लागू। उत्तराखंड में मनाई गई बकरीद, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमन और चैन को लेकर अदा की नमाज, तो प्रदेश भर में सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। उत्तराखंड के गदरपुर में बंदूक की नोक पर युवक से लूट, पुलिस ने लूट की कार, नकदी और अवैध हथियारों सहित चार बदमाशों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के सफर की पुस्तक पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी पहली मुलाकात की यादों को भी साझा किया। आपको बता दें मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नाम की एक किताब कुछ बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों ने लिखी है। मोदी जी का पूरा जीवन और उनके कर्म हमारे लिए एक प्रेरणा है और मैं कहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को निश्चित रूप से उनसे ये सब प्रेरणा मिलती है, लेकिन आज अन्य क्षेत्रों में भी काम करने वालों के लिए एक वर्क कल्चर देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में आया है। तो ये मोदी एट द 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी ये पुस्तक सभी के लिए बहुत उपयोगी है और हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि हमारे सभी जितने भी संस्थान हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, वो सभी लोग इस पुस्तक का प्रचार प्रसार कर लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि उनके अंदर भी एक नवाचार, एक नई संस्कृति और भारत को जो वैश्विक नई पहचान दिलाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आने वाले हमारे सभी नौनियालों को भी उसके बारे में स्मरण हो, उनकी भी जानकारी में आए और वह भी उस रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आएंगी। इस दौरान वह सांसदों और विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगी और चुनाव में उनसे समर्थन की अपील करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों व विधायकों को पार्टी की ओर से देहरादून पहुंचने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद की राजग उम्मीदवार मुर्मू देश भर में सभी राज्यों में जाकर सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर रही हैं। इसी सिलसिले में वह 11 जुलाई को राजधानी देहरादून पहुंचेंगी। इस दौरान पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को देहरादून पहुंचने के लिए कहा जाएगा। देहरादून में सांसदों और विधायकों की एक संयुक्त बैठक रखी जाएगी, जिससे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू संबोधित करेंगी। वह सभी सांसदों और विधायकों से चुनाव में समर्थन की अपील करेंगी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अधिकतम दो विषयों में फेल छात्र छात्राओं को सरकार वापस पास होने का मौका दे रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, अगले शिक्षा सत्र से सरकार इस व्यवस्था को लागू कर सकती है। बता दें कि इस साल बोर्ड परीक्षा में 48,000 से अधिक छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं का वर्ष 2021 का परीक्षाफल 99% रहा, जबकि इस साल परीक्षाफल 77.47% ही रहा। 28,000 से अधिक छात्र छात्राएं 10वीं में फेल रहे।
यही हाल 12वीं का भी रहा। 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट पिछले साल 99.71% था, जबकि इस साल 82.63% रहा। इसमें 19,000 से अधिक छात्र छात्राएं फेल हो गए। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार पर चुनाव के लिए जारी आरक्षण में गड़बड़ी करवाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और हरिद्वार पंचायत चुनाव के प्रभारी विजय सारस्वत के नेतृत्व में सभी विधायकों ने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि हरिद्वार में अधिकारी राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई आरक्षण की सूची में बड़ी धांधली की गई है। एक राजनीति के तहत राजनीति से प्रेरित होकर यह आरक्षण किया गया। पहले तो इन्होंने 1.5 साल के लगभग इस चुनाव को टाल दिया, अभी भी त्रुटिपूर्ण आरक्षण किया, अधिकारियों पर दबाव बनाए हुए हैं सरकार। एक नेता विशेष कहते हैं कि मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा, आप ही लोगों के माध्यम से हमें पता चलता है। सबसे पहले तो ये धोखा है इस जिले की जनता के साथ। एक धोखा पहले कर चुके हैं चुनाव लेट करा के। आज देहात की जनता, गाँव की जनता परेशान है। बारिश हो रही है, नलके नहीं है। आप जल जीवन मिशन करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, पर आप हैंडपंप में। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित फरसौली भवाली में रोटरी क्लब की ओर से डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया। साथ ही कैनेडी पार्क में ओपन जिम, जॉगर्स पार्क और सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन हुआ। इस दौरान ओपन जिम में 10 मशीनें लगाई गई हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि स्थानीय लोग प्रकृति के बीच व्यायाम कर सकेंगे। हाल है तो जैसा मैंने बताया कि हमारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट में 140 क्लब हैं और नैनीताल हमारा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्लब है और समाज सेवा के कार्य हम लोग काफ़ी करते रहते हैं। तो इसमें अभी फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट, इस पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इस पूरे कैनेडी पार्क में यहाँ पर हमने सिर्फ ओपन जिम ही नहीं लगाया, बल्कि यहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे लगाए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जगह, यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं और जो लोकल नैनीताल के हमारे लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह साबित हो। लोग यहाँ घूमने आए, एंजॉय करें और स्वस्थ लाइफ यहाँ पर हो। अब खबर रुड़की से है, जहाँ ग्रामीणों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह रहीमपुर गांव पहुंचे और कई किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने मौका मुआयना किया। आपको बता दें, ग्रामीणों की समस्या उन्होंने यहाँ पर सुनी है और तालाब के ओवरफ्लो होने के कारण ग्रामीणों की जो खेती खराब हो रही है उसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। से हमारा शिवपुरम, गणेशपुर, पूरा टोटल पानी हमारे गांव में आ रहा है जिसकी कोई निकासी नहीं है। निकासी की वजह से पूरे गांव की कम से कम 200 बीघे ज़मीन वो रद्द पड़ी हुई है। उसके कारण हमारे गांव में बीमारी, अभी आप खुजली की बीमारी देख लो, खुजली की बीमारी ए टू जेड, पानी सब खराब हो चुका। सबर सेवले का पानी भी खराब हो चुका। 10 साल से कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। ये तो सलमान भाई की देन है, कल परसों से। आज एडीओ साहब भी आए, एडीओ साहब ने देख के इसकी रिपोर्ट लगाई है। देखते अब क्या होता है, उम्मीद तो बन रही है होने के चांस है। गो ना उम्मीद तो हो नहीं सकता आदमी सरकार से, और सरकार ने जब हमारी बात सुनी हो तो हमारा समाधान भी करेगी। और ये पानी थोड़ा बहुत तो है नहीं, सारा गणेशपुर हो, शिवपुरम हो, सुभाष नगर हो, कृष्णा नगर हो, सलेमपुर हो और सफीपुर हो, ये सारा पानी यहीं को पुलिया के नीचे को आ रहा और पूरे जंगल में को हमारे खेतों में को फैल के चल रहा। टब में भी अगर पानी भरता है इधर तो भी हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी रहेगी उसको ट्रीट करने की, कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे हम। तो ये सर, इसका ये 3-4 चीज़ें हम देखते हैं। इसमें मेन इशू आएगी फंडिंग की, बिकॉज ये बहुत ही हैवी कॉस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है कि एक रेलवे लाइन प्रपोज है यहाँ से, तो रेलवे लाइन प्रपोज है तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि जो हम ब्रिज अगर बनाते भी हैं तो इट शुड नॉट कमिंग कम उसके वो आपके जो उसका ब्रिथ होता है उसमें नहीं आना चाहिए। मानसून हर बार आफत बनकर ही बरसता है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त होता रहता है। साथ ही कई जगह आफत भी आ जाती है। विकासनगर से लगते जौनसार बावर क्षेत्र में तेज मूसलाधार बरसात के चलते जगह जगह मुख्य मार्ग बाधित हो रहे हैं। बरसात के चलते जौनसार बावर की लाइफलाइन कहे जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग भी बंद हो गया,
जिसको पीडब्ल्यूडी की जेसीबी मशीनों से खुलवाकर सुचारू करवाया गया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो विकास नगर मैदानी क्षेत्र की, तो वहां पर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसकी पूर्व में ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समीक्षा की जा चुकी है और उसमें जो विकासनगर क्षेत्र का है, यहाँ पे हमारी 9 बाढ़ चौकियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं और यहाँ पे और एक कंट्रोल रूम तहसील में स्थापित किया गया है जिसमें विभिन्न विभागों के लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और उसके साथ साथ जो विभिन्न जो हमारे निर्माणदायी संस्थाएँ हैं, जहाँ पे रोड बंद होने का और जल संस्थान वगैरह का, जिनका भी जो अगर आपदा की स्थिति होती है, स्थिति में कहीं पे भी नुकसान की स्थिति होती है, तो त्वरित कार्रवाई करने के लिए उनके द्वारा भी अपनी टीमों का गठन किया। नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, तो अभी जो अलर्ट जिस तरीके से आ रहा है, तो उससे पहले ही मुनादी करा के उन लोगों को, हमारे पहले से ही आइडेंटिफाई किए हुए स्थान हैं, उन जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। अगर जैसे अलर्ट की स्थिति आती है तो ये कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के जाफरपुर में जल निकासी को लेकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हल्की बारिश में ही दुकानों के अंदर पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानी हुई। इसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया है, शिकायती पत्र भी सौंपा गया है, लेकिन समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। क्या समाधान ये 4 साल से हो ही नहीं रहा है। यहाँ का कॉलोनी वासी, मार्केट के लोग बहुत प्रभावित है इस नाले से, ताकि ये नाला जो है नेशनल हाईवे वालों के अंडर में आता है और आज जो नुकसान जनमाल का हो रहा है, इसका संपूर्ण जिम्मेदारी है नेशनल हाईवे वालों का है। नेशनल हाईवे वाले जब तक इस स्थायी रूप से इस नाले का निर्माण नहीं करता है, तब तक ये व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी, समस्या तो जैक होती हुई रहेगा। अभी वैकल्पिक व्यवस्था विधायक जी द्वारा किया गया है। ये 13 जून 2018 की, जो इसके बाद मैं कई बार ये दे चुका हूँ इनको, इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। पब्लिक ये चाहती है कि हमें पक्का नाला दिया जाए और विधायक साहब को धन्यवाद करूँगा जो आज उन्होंने नाला पानी खोलने की कृपा की। क्षेत्रीय विधायक अरोरा जी ने आज पूरा सवेरे से रोष था, बहुत दुकानों के अंदर पानी भरा पड़ा है, बहुत बुरा हाल, क्योंकि ये समस्या का निदान बहुत पिछले सालों से चलता आ रहा है। लोगों में बहुत रोष है, गुस्सा है, सही जाहिर है, गुस्सा तो जाहिर है। और बाकी अब माननीय विधायक जी का मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद कहूँगा, उन्होंने तुरंत इसको तुरंत फ़ोन करने के बाद, पहले 15 दिन पहले भी किया था, लेकिन 15-20 दिन पहले तो उस समय मुख्यमंत्री के चुनाव में वो व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने उस दौरान भी तहसीलदार मैडम को भी यहाँ भेजा। और हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा के साथ चंद्रभागा नदी भी उफान पर आने लगी है। धीरे धीरे नदी में पानी का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक आए पानी की वजह से नदी में बनाई गई अस्थायी पार्किंग से ज्यादातर वाहन तो बाहर निकाल लिए गए, मगर एक कार इस बीच नदी के बीच में ही फंस गई। प्रशासन ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नहीं जाने की अपील की है। इधर नैनीताल जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात में मौसम विभाग के रेड अलर्ट को सही साबित कर दिया। ऐसे में गौला, नांदौर और कोसी, दापका सहित पहाड़ी नाले धीरे धीरे उफान पर आ रहे हैं, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। साथ ही भूस्खलन के दायरे में आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों और पुलों के आसपास रहने वाले लोगों को भारी बरसात की आशंका के चलते अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर जाकर लोगों को वायरलेस से और लाउडस्पीकर की मदद से अलर्ट किया। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। हल्द्वानी शहर में भारी बरसात हो रही है, इसलिए सुरक्षित यात्रा कीजिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी नाले नदी जिसमें उफान पे आ रहा है, वहाँ उसको पार करने की कोशिश मत कीजिए। ये सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बारिश में अचानक। इधर चंपावत के तराई क्षेत्र से होकर गुजरने वाली हुड्डी नदी बरसात के चलते उफान पकड़ने लगी है, जिससे नदी के किनारे बसे आबादी क्षेत्रों में भारी भूकटाव होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसके चलते प्रशासन ने हुड्डी नदी को अस्थायी रूप से बांधने के काम शुरू कर दिया है, जिससे इस बरसाती सीजन में नदी से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके।
पूर्णागिरी के अंदर हुड्डी नदी द्वारा बमनपुरी में भूमि का कटाव हो रहा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि वहाँ पर बाढ़ सुरक्षा और भूमि के जो कटाव है उसकी सुरक्षा के उपाय किए जाएं। उसके तहत जिला हमारे सिंचाई विभाग द्वारा वहाँ पर भूमि कटाव को रोकने के लिए जो बाढ़ सुरक्षा के काम। उत्तराखंड के टिहरी में सेल्फी लेते वक्त एक युवक खाई में जा गिरा। तोताघाटी मंदिर के पास हुए इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर SDRF की टीम ने शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। साथ ही मृतक की शिनाख्त दिल्ली कैंट निवासी मिंटू के रूप में हुई है। फिलहाल SDRF की टीम ने शव पुलिस को सुपुत्र कर दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण कर हरियाली के प्रति हरेला पर्व की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सभी से अधिक संख्या में पौधे लगाने की अपील भी की। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच भ्रष्टाचार को लेकर चल रही जुबानी जंग पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जिस तरीके से मंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसी वजह से उनकी सरकार 2017 और 2022 में नहीं आ सकी। उन्होंने कहा कि धन सिंह रावत पर गणेश गोदियाल राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर आरोप लगा रहे हैं। काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे लाखों प्रियजन हमको छोड़ के चले गए। ऐसा संकट मानव जाति पे कभी भी ना पड़े और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे अपने छोड़ के ना जाएं। इस महत्वपूर्ण विषय को और जो हरेला इस उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार है, इसको और स्वस्थ और सबल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश लेवल के सभी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, बड़े कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता सब मिलजुल कर अपने बूथ पे कम से कम प्रति बूथ 20-20 पौधे लगाए जाएं ताकि प्रकृति का संरक्षण संवर्धन हो सके। इस पुनीत काम के लिए मुझको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटा सा समन्वयक बना के आप लोगों के बीच में भेजा है और मैं हल्द्वानी नगर मंडल के सभी अपने पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने छोटी सी सूचना पे इस पावन पवित्र मंदिर में। उत्तराखंड के गदरपुर में महताश के पास बंदूक की नोट पर युवक से हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को धर दबोचा। क्षेत्रीय अधिकारी वंदना वर्मा ने मामले का खुलासा किया है। वहीं क्षेत्राधिकारी बलराम वर्मा ने बताया कि लुटेरों से कार, 10,000 की नकदी और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। रुद्रपुर से गदरपुर लौट रहे थे तो रास्ते में अज्ञात चार हमलावरों ने इनकी गाड़ी रोकी और इनके साथ मार पिटाई, गाली गलौज करते हुए इनसे 5,500 रुपए की लूट की। इसी घटना के साथ पीछे चल रहे एक ट्रक को भी उन्होंने सेम वे में ट्रक ड्राइवर को रोका और ट्रक ड्राइवर के साथ भी यही घटना करते हुए मारपीट, गाली गलौज करते हुए उससे भी उसकी धनराशि लूट ली। इस पर दोनों पीड़ितों ने थाने पे सूचना दी और थाने की पुलिस टीम ने इसमें एक्टिव होते हुए टीमें गठित की। दोनों टीमों ने इसमें अच्छा काम करते हुए पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग करते हुए इसमें चार हमलावरों को अरेस्ट किया है गदरपुर क्षेत्र से ही और चारों के पास से घटना में प्रयुक्त की गई ऑल्टो कार, एक उनका दो तमंचे, दो राउंड्स, इसके अलावा दो चाकू, पीड़ित का मोबाइल वॉलेट, उसके अलावा पीड़ित का ID और साथ ही साथ DL, ये सब बरामद किया है और 10,000 रुपए की इसमें बरामदगी की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन TV। नमस्कार।